नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जनयात्रा टीवी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन अधिकार यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पेंशन ले सकते हैं, तो फिर 35 साल तक नौकरी करने वाला कर्मचारी पेंशन क्यों नहीं ले सकता है। इसलिए हमारी पेंशन बहाल की जाए, अन्यथा की स्थिति में सरकार कर्नाटक जैसी स्थिति भुगतने के लिए तैयार है। संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में निकाली गई पुरानी पेंशन अधिकार यात्रा में शामिल सभी कर्मचारियों के हाथों में तख्ती बैनर थे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली करने संबंधित स्लोगन लिखे थे। इस दौरान कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पेंशन ले सकते हैं, तो फिर हमारी पेंशन क्यों रोकी गई है। हमें अपना अधिकार चाहिए, चाहे जैसे मिले इसे हम लेकर ही रहेंगे। वहीं सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज पद यात्रा निकाली गई है। इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अगर इसे बहाल नहीं किया गया तो कर्मचारी और ज्यादा आंदोलित होगा और 2024 में सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पुरानी पेंशन बहाल न होने से सरकार के विरोध में काम करने की चेतावनी देते हुए कहा कि कर्नाटक में जो कुछ हुआ उससे हाल बुरा इस सरकार का होगा। वहीं लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी शक्ति नारायण कुशवाहा ने कहा कि सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पेंशन ले सकते हैं, तो हम कर्मचारी जो 35 साल तक नौकरी करते हैं, तो हमें पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो हम सरकार के विरोध में काम करेंगे। अपन कॉपी आए हैं, क्या नाम? मेरा नाम शक्ति नारायण कुशवाहा, लोक निर्माण विभाग से हूँ, जनपद सचिव हूँ, अपने मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का और संयुक्त मोर्चा का सह संयोजक भी हूँ। हमारे यहाँ पर जो सभी कर्मचारी और शिक्षकों का एक संगठन चला रहा है जो संयुक्त मोर्चा के नाम से है। इसमें सभी घटक जुड़े हुए हैं, सभी विभागों के, जिनके माध्यम से हम लोग अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि अगर विधायकों को पेंशन दी जा रही है, सांसदों को पेंशन दी जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पेंशन दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी पेंशन दे रहे हैं, यहाँ तक कि इनको एक एक से बजाय तीन तीन चार चार बार पेंशन मिलती है, तो क्या कर्मचारी जो 35 साल तक नौकरी करता है, तो क्या एक बार भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए कर्मचारी को। इस मांग को लेकर के हम अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी पेंशन बहाल की जाए, जो पुरानी पेंशन है। क्योंकि नहीं पूरी नहीं तो क्या करेंगे आप? हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, सरकार से मांग करते रहेंगे और सरकार से जो भी हो सकेगा सरकार के विरुद्ध भी काम करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे पूर्ति करती है तो हम सरकार के साथ खड़े होंगे। मांगों को लेकर आप कौन कौन से कर्मचारी संगठन आपके साथ शामिल है? ये संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश का ये मतलब संगठन है, इसमें सभी विभाग के सम्मिलित है, पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग और कर्मचारी विभाग, मतलब पंचायती राज विभाग। ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है, पदयात्रा आज निकाली गई है। इसमें शिक्षा विभाग भी सम्मिलित है और अन्य विभाग के कई संगठन, मतलब घटक संगठन सब सम्मिलित हैं। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन। अगर पुरानी पेंशन हम लोगों को नहीं दी जाती है तो आने वाले समय में आगे हमारा कर्मचारी और भी आंदोलित होगा, और जैसे कि आने वाले चुनाव में 2024 में इसका परिणाम जैसा कि कर्नाटक में हुआ है उससे कई गुना भी ज़्यादा परिणाम यहाँ को भोगना पड़ेगा अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाए। आज आप लोग पदयात्रा कहाँ से निकाली और कहाँ? ये पदयात्रा हमने पीडब्ल्यूडी विभाग लोक निर्माण से कलेक्ट्रेट प्रांगण तक निकाली है। आज हम डीएम साहब महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। क्या नाम आपका? कुलदीप कुमार वाल्मीकि नाम है, सफाई कर्मचारी संघ से जिला अध्यक्ष है और इस मोर्चा के संयोजक, जिला संयोजक बनाए गए हैं। ऐसे देखने की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।